सीबीसी का चुनावी सफर अब थम चुका है, अब परिणाम भी आ चुका है जिसमें बीटीपी स्पष्ट बहुमत के साथ पांच पंचायत समिति में जीत हासिल कर ली है। दूसरी ओर जिला प्रमुख में भी बीटीपी ने जीत हासिल कर ली है। हमारे बीच जो बीटीपी के दो विधायक हैं राजकुमार जी रोहत और रामप्रसाद इंडोर, उनसे सवाल करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या करा। राजकुमार जी, पहले तो हमें ये बताइए, आपने इतनी स्पष्ट बहुमत से 10 पंचायत समिति में 5 तो अपने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की, आखिर क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके पीछे कारण तो यही रहा है कि आम जनता जो थी, कांग्रेस और बीजेपी की जो जुमलेबाजी थी उससे थक चुकी थी, और दोनों पार्टियों ने आज तक इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को जो वोट बैंक समझ रखा था और वोट बैंक समझ के जो राज किया था उस चीज़ को समझ चुकी थी और लोगों में आत्मविश्वास जाग चुका था। यही कारण रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, दोनों आम जनता ने उन दोनों को ठुकरा दिया है। अच्छा, सावला की जो स्थिति है, 8 भाजपा, 8 बीटीपी, 1 कांग्रेस, अब किसके साथ गठबंधन करोगे वहाँ पर सीट बनाने के लिए, वहाँ पे प्रधान बनाने के लिए? देखो, ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी चार से पांच जगह स्थिति बनी हुई है। ये सबसे बड़ी मजेदार मजेदार है, इसको मजेदार और बनाएंगे और बनेगी। ऐसा देखा जा सकता है, जिस वक्त कांग्रेस मजेदार में फंसी थी वहाँ समर्थन आपने दिया था, तो क्या कांग्रेस इस बार आप यहाँ पे समर्थन लोगे? यहाँ स्थानीय कांग्रेस के लीडर जो हैं, कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, तो उनको उनका कर्ज चुकाना चाहिए और उन लोगों को, हम लोगों को समर्थन देना चाहिए बिना किसी शर्त के। ये जो कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको अपनी जो सीटें हैं, जहाँ बीटीपी का बोर्ड बनने की संभावना है, तो बीजेपी में नहीं जाके कांग्रेस को उनको देना चाहिए। अगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, यहाँ के डूंगरपुर के जो लीडर कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, तो उनको देना चाहिए समर्थन। रामप्रसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। रामप्रसाद जी, हमें ये बता दीजिए कि जिला प्रमुख कौन बनेगा बीटीपी का? ये तो आपने तो डिसाइड कर ही लिया होगा, चुनाव के पहले से डिसाइड होगा, आज बताई दीजिए अब चुनाव का रिजल्ट आ गया। ऐसा है, वो हमारी कमेटी है, वो ठीक है, वो तय करेगी। पीछे से कुछ नाम भी आ रहे थे, नाम तो चलते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। आप क्या मानते हो कि कांग्रेस जो वागड़ का गढ़ था उसको आपने ऐसी पटकनी दी कि मतलब उनको धूल चटा दी, कहा जाए तो पत्रकार की भाषा में, आखिर क्या कारण रहा? बड़ा मेजर इशू ऐसा है, खासतौर से जो ये जो आदिवासियों की आज तक जो डिमांड थी, उनके हक अधिकार थे, उस मुद्दों आधारित आज तक किया नहीं उन्होंने। केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझा और वोट बैंक को उसके हिसाब से उन्होंने किया आज तक। लेकिन अब ये पहली बार आदिवासियों के अंदर जन जागरण हुआ है और उनको मुद्दों आधारित उनको बात ये समझ में आई है। और ये लोगों का, जब हमने लोग कार्यकर्ता जब जीत रहे थे तो हम लक्ष्मण मैदान से लाइव थे, तो और वहाँ पे हमने लोगों से बात की, तो आखिर बीटीपी जीतने के कारण तो उनका ये कहना था, एक तो आदिवासियों का शोषण हुआ, दूसरी बात बीटीपी आने के बाद शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, तो आप शिक्षा के लिए क्या करेंगे? ऐसा जो आज तक शिक्षा का स्तर इतना गिरा रहा है, अब क्या करेंगे नया कुछ? ऐसा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम खासतौर से आज तक उनकी जिस तरह से आदिवासियों को या जो गरीब तबका था उसको दबाने की कोशिश किया है, तो हम पहले तो शिक्षित उस हिसाब से होना चाहते हैं कि हम हमारे जो हक अधिकार हैं और हमारे जो लोग उसको अपने अधिकारों को समझें और उसके खिलाफ बगे पढ़ाई तो होती रहती होगी, लेकिन हमारे हक अधिकार के प्रति हमको जागरण करना होगा। हक अधिकार पर पहले आपका तवज्जो है? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि ये हमारे बीच में दो विधायक मौजूद थे, एक जो सावाड़ा के विधायक हैं रामप्रसाद डिंडोर, दूसरी और 84 विधायक बीटीपी के विधायक राजकुमार रोहत, इनसे हमने चुनाव में जो उनको जीत हासिल हुई है इसको लेकर हमने सवाल किए, जिन्होंने बताया सावला में जो मझदार में फंसी जो एक सीट का सवाल है सिर्फ, यानी कि कांग्रेस का, जो 8 भाजपा 8 बीटीपी और 1 कांग्रेस, उसको लेकर सवाल किया। उनका कहना है इसको लेकर कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया था जब कांग्रेस मझदार में फंसी हुई थी, उसी तरह कांग्रेस को बिना शर्त पर उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर उन्होंने जो लोगों से हमने आज कार्यकर्ताओं से जाना था जो वहाँ पर मौजूद थे लक्ष्मण मैदान में, उनसे हमने जाना था आखिर क्या शर्त रहेगी, क्यों इस बार बीटीपी जीती, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि आदिवासियों का शोषण हुआ है, दूसरी ओर ये कह रहे थे कि शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही, हमें रोजगार नहीं मिल पा रही है। तो हमने रामप्रसाद जी को इसी को लेकर हमने सवाल किए, तो रामप्रसाद जी का कहना है कि हमारा मेन मोटिव यहाँ पर जो हक अधिकार है आदिवासियों को, वो पहले सिखाना है, उनकी ये शिक्षा देनी है कि उनके हक अधिकार क्या है। सीबीसी का चुनावी सफर यहाँ पर पंचायती राज का खत्म होता है। ये हमने आपको शुरुआत से जुड़े रहे, पिछले 1 महीने से आपके साथ बने थे, आपको हमने बताया पंचायती समीकरण, डोर टू डोर विजिट किया, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से बात की, भले वो कांग्रेस का हो, भले बीटीपी का हो या भले भाजपा का हो, सबसे कड़े सवाल पूछे, कुछ तीखे सवाल पूछे, सबने यही कहा था कि जिला प्रमुख और प्रधान हमारा ही बनेगा। आखिरकार फैसला आ गया है, ये फैसला जनता के हाथ में था और जनता ने प्रधान और जिला प्रमुख बनाया है। अब फिर कल हम ऐसे ही नेताओं के सामने फिर हाजिर होंगे जो उनके वादे थे, उन वादों को जो उन्होंने कहा था दंगे की चोट पर कि हम जीतेंगे और इस बार पक्का जीतेंगे, उनसे
पूछेंगे कि आखिर क्यों हारे। सीबीसी का चुनावी पंचायती राज चुनाव का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीसी यहाँ पर रुक जाएगी। अब कुछ ही दिनों के बाद नगर परिषद का चुनाव होना है। सीबीसी ने इसकी तैयारी पिछले 25 दिनों से पहले ही, महीने भर से पहले ही करनी शुरू कर दिए। सीबीसी की टीम डूंगरपुर नगर परिषद के 30 वार्ड, जो अब 40 वार्ड हो चुके हैं, उस 30 वार्डों में घूम घूम कर, नालियों से नालियाँ पहुँच कर, आम जनता से रूबरू होकर जाना कि आखिर जो डूंगरपुर नगर परिषद में जो इतना विकास हुआ है, किस हद तक विकास हुआ है, जो इतना बड़ा सम्मान ले रहा है, तो वे धरातल पर इसकी क्या स्थिति है, इसको हम जानेंगे। और दूसरी ओर जो कल से जो सीबीसी की टीम का कल से नगर परिषद का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसका हर दिन एक वार्ड आने वाला है। तो सीबीसी के साथ बने रहिएगा और सीबीसी कल आपको नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड, जो चुनावी सफ़र है वो हमारा जारी रहेगा और नगर परिषद का चुनावी सफ़र हमारे साथ आपको देखते रहेंगे। ये तो था सीबीसी का एक छोटा सा चुनावी सफ़र। ऐसे कई चुनाव आते रहेंगे और सीबीसी इसी तरह धरातल पर जाकर आपको सच दिखाती रहेगी और सच हमेशा आपको दिखाती रहेगी। हम झूठे जुमले नहीं करते, जो धरातल पर जो बात है उसको आगे रखते हैं। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलार, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ, कल देखना ना भूलिएगा नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड में वार्ड नंबर 1 का पहला वीडियो, जिसमें पार्षद सोदे से भी किए हमने कड़े सवाल। कल मिलेंगे फिर सीबीसी के साथ और चुनावी सफर के साथ, इस बार नगर परिषद के साथ। पार्षद क्या करते, वोट लेने होते तब शराब बेच देते, आदमी को शराब पिला देते, फिर औरतों को डराते, फिर औरतें बेचारी वोट डालने जाती। नहीं, ये पार्षद जी हमारे आते हैं तो हमारे वाले आदमियों को दारू पिला देते हैं। 5 साल में एक ही बार आते हैं, जब उनका वो गलत पट्टी दबी आते हो। हाँ, पैसे वालों का काम कर होता है, हमारे गरीब लोगों का कुछ काम होता ही नहीं है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।